हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज मेरा व्लॉग हो रहा है सुबह सुबह स्टार्ट, सुबह नहीं बज रहा है, 1:30 बज रहा है, मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और वहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश से आने के बाद आज के दिन है जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। टुडे इज सैटरडे, हम लोग वापस आ गए थे ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, आफ्टरनून तक वापस आए थे एंड तब से मेरा व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ। उस बीच बहुत सारी चीज़ हुई, बहुत 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 सारी, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो आपको आगे पता चल जाएगी। फिलहाल हमारा ऋषिकेश का ट्रिप इतना अमेजिंग रहा, इतना अमेजिंग रहा, बहुत बढ़िया रहा। एंड अमेजिंग पता है क्यों रहा, क्योंकि रियांश ने लिटरली इतना एंजॉय किया ना, उसने 4 दिन 4 रात ना वो रोया, उसे दूध टाइम पे मिल रहा है, खाना टाइम पे मिल रहा है, डजंट मैटर, मतलब वो घूम रहा है तो वो एकदम घूमता है, इंजॉय करता है और नींद अपनी कहीं भी पूरी कर रहा था, ऑटो हो, होटल हो, कहीं भी नींद पूरी कर रहा था। और नींद में ऐसा भी नहीं कि उसे सुलाना पड़ रहा है, ये मतलब वो अपने आप सो रहा था, बहुत इसने एंजॉय किया है। और गंगा जी के घाट पे तो उसे बहुत ही मजा आता था। लास्ट के 2 दिन तो वो नहाया है लिटरली, ऐसे डुबुक डुबुक करके ना पूरा एंजॉय कर रहा था, छप 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 कर रहा था पैरों से, तो इट वॉज ग्रेट। और उसकी वजह से हम सबका ट्रिप अमेजिंग रहा। अगर वो चिक चिक पिक पिक होता उसका तो फिर हम सबका एकदम मन नहीं लगता, हम भी होटल में बैठे रहते, हम भी घूमते नहीं, इतना वो हो जाता है हेक्टिक और हम सब भी बड़ा वो हो जाते। लेकिन वहां से आने के बाद एक्चुअली में क्या हुआ है कि मुझे था थोड़ा सा कोल्ड, अभी भी पता चल रहा होगा आपको, थोड़ा सा ठंडी गर्मी की वजह से ना मुझे कोल्ड हो गया था। कोल्ड हुआ तो हुआ, उसके बाद अच्छा मैं बताती हूँ। पहले हम लोग ट्यूसडे को आए थे एंड वेनसडे को सब लोग मेहुल मम्मी मौसी चले गए वापस ऑन वेनसडे एंड टुडे सैटरडे, व्लॉग कोई हुआ नहीं था। वहां से आने के बाद मुझे कोल्ड हो गया एंड मुझसे फिर वरुण को कोल्ड हो गया, वरुण को परसों से हुआ है। बट जो गुड न्यूज़ मैं देने वाली थी वो ये है कि रियांश की ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ये गुड न्यूज़ नहीं है, गुड न्यूज़ आ गया है। रियांश की ना बहुत तबीयत ख़राब हुई, उसको ना एक दिन में 18 से 20 इमोशंस, 4 वोमिटिंग, फीवर लगातार, तो हम लोग इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि हम लोग रात के 3 बजे से उसको ऐसा अचानक होना शुरू हुआ और हम लोग सुबह 10:20 पर डॉक्टर बैठे, हमारे बात हुई, हम तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर के पास एंड हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक, डॉक्टर के पास लेके गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मेडिसिन दी प्रॉपर बट उन्होंने रीज़न नहीं बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर घर पर आने के बाद शाम को मुझे ऐसा लगा कि यार इसके कहीं दाँत तो नहीं आ रहे हैं, मैंने इसे चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि सूढ़े सूढ़े फूले हुए, रियांश खेल रहा है वरुण के साथ, मुझे ऐसा लगा कि मसूड़े थोड़े से फूले हुए हैं इसके। तो हम लोगों को लगा यार इसके दांत आ रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एंड फिर रात में लेकिन इसकी इतनी तबीयत खराब हुई, इसको एकदम भारी वाली वॉमिटिंग हुई और मतलब एकदम इसकी बॉडी ना ऐसे अकड़ सी गई, थोड़ा सा क्रेजी होने लगा। तो हम तो एकदम अच्छा वाला घबरा गए कि यार ये हुआ क्या। रात के 1:30 बजे हम इसे हॉस्पिटल लेके भागे जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब चल रहा है, जो है इसकी सर्जरी हुई है। हम रात के 1:30 बजे वहाँ लेके भागे थे इसे परसों रात में। तो मैं वरुण और पूजा दीदी को मैंने फ़ोन किया था कि यार दीदी दांत निकलते तो ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब इसकी चिन एरिया शेक कर रहा था, उसके बाद इसकी पूरी बॉडी शेक करने लग गए। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होता दांत निकलने में। तो फिर हमें थोड़ा लगा कि यार कुछ और अप डाउन तो नहीं है, हम लोग इसे लेके भागे। पूजा दीदी भी हमारे साथ गई थी, हम तीनों गए कैब से, 3:30 बजे लौट के आए, कुछ भी नहीं है, दांत की वजह से ही है, हर किसी का ना अलग अलग बिहेवियर होता है। तो या दैट्स अ गुड न्यूज़, रियांश के दांत निकल रहे हैं और अभी वो 8.5 मंथ्स का है, उसके दांत निकलना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा वो क्रेजी और क्रैंकी हो रहा है, कल भी पूरे दिन परेशान रहा, फीवर भी रह रहा है, पैरासीटामोल लगातार दे रहे हैं, लूज मोशंस हैं, बट अभी दिन में 8 से 10 है। पहले फर्स्ट डे तो 18 से 20 हुए थे, वोमिटिंग नहीं है, दैट इज़ गुड थिंग। तो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें डाइट में बताई हैं, बहुत सारी मैंने आपको अपडेट दे दी इन 3 से 4 दिन की। कल फाइनली आके रियांश 2 दिन से ऐसा क्रेजी है कि पूरे टाइम वो गोद में ही रहता है, पूरे टाइम उसके लूज मोशंस, वोमिटिंग, फीवर, चिड़चिड़ाहट, सब कुछ चल रहा है उसका। सो उसका एप्पल रखा है, पहले वो देखे जाते हैं। आज का मौसम बहुत शानदार है, मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है इतना बोलने के बाद, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने किचन में उसका एप्पल रखा है बॉयल होने के लिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम इस एप्पल को कि इसकी क्या कंडीशन है, ऐसा लगता है कि हो चुका है, नहीं अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा और बचा है, कवर कर देते हैं। ट्रिप पे जाने में ना बहुत ही मज़ा आता है बट वहाँ से आने के बाद इतना सारा सामान फैल जाता है
और मेनली पता है क्या होता है, हम कहीं भी घूमने जाते हैं ना, हम एक्स्ट्रा कपड़े एक्स्ट्रा मेकअप लेके ही जाते हैं कि ये सब यूज़ में आएगा, बट वहाँ पे आपका 50% सामान यूज़ में ही नहीं आ पाता है। मतलब एटलीस्ट मेकअप तो मुझे रियलाइज़ होता है, तो वो सब उसको लगाना ऑर्गेनाइज करना एक टास्क हो जाता है। और साथ में थोड़ा सा घर भी ऑर्गेनाइज कर रही थी मैं एंड रियांश ना, पूरे टाइम किचन में, अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो वो किचन में ही भागता है, आप उसे किचन से निकाल दो लेकिन वो किचन में ही आएगा। और अभी उसे दिख रहा था ये ट्राईपॉड, उसे उसको छूना था, उसको था ये क्या है ये वाला। पूरा हमारा अभी बैग खाली किया मैंने और सारा सामान वहाँ पे रख दिया है, इसको मैंने पूरा फोल्ड कर दिया। मौसम अच्छा है, एसी की ज़रूरत नहीं है, और इस रूम में बहुत मैस्ड अप हो रहा है। ये सारे कपड़े धुले हुए हैं, कुछ मतलब कुछ नहीं, सारे धुले हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना मैं उसी बेड पर डालने वाली हूँ, वहीं पर सारा समेटूंगी। ये मैंने बेडरूम तो क्लीन कर ही दिया है, इस ट्रॉली को अंदर इसको डालना है, इसलिए ही ये निकली हुई थी। अब ये दोनों ऊपर रख जाएंगे पैक होके। और रियांश और वरुण बाहर, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है तो अपना वहीं बैठे हुए हैं। ये बेड मैंने क्लीन कर दिया था इसलिए झाड़ वाड़ के पूरा। ये रहे दोनों, वरुण ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, और इसे देखो चकलू। मीठा पानी, मीठा पानी पकड़ो 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 टकलू बच्चू पकड़ो बच्चे पकड़ो। वरुण दवाई दे रहे हैं उसको भी, तो इसकी आफत आ रखी है। क्या हुआ आज तो गिरा। मैं ना इसकी छोटी वाली बोतल में भर देती हूँ, क्योंकि पानी वाली में से ये कम पी पाता है, इससे नहीं ज्यादा अच्छे से पी लेता है, तो आधा आधा करके दो बार इसकी बोतल में आ जाता है। रियांश को ना हमने कोकोनट वाटर देना स्टार्ट कर दिया है, तो आजकल हम इसे कोकोनट वाटर ORS सब कुछ दे रहे हैं ना, लूज मोशन की वजह से पानी का इंटेक कम नहीं होना चाहिए, तो इस बहाने ना ही ज़्यादा पानी पी लेता है। और इसको टेस्टी भी लगता है, अच्छा लगता है इसे। यहाँ पे मेरी चल गई है थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, मैंने सोचा कि इस बेड को फोल्ड कर देते हैं, वैसे भी अभी यूज़ नहीं था इसका, इसको फोल्ड करके ना अच्छे से इसके नीचे क्लीनिंग हो जाती है, वरना क्या होता है कि साइड में थोड़ी सी जगह ना वहाँ पे से रुआ रुआ जैसा कूड़ा हो जाता है, तो वो सब मैंने सोचा कि इसको फोल्ड कर देते हैं, सेट कर देते हैं, और स्पेशियस भी लगने लगता है, थोड़ा सा चेंज लगता है बेसिकली। और अभी जैसे विंटर्स आ जाएंगे ना, तो मैं सोच रही हूँ इसको इतना ही रखा करूँगी, फुल नहीं खोलूँगी फिर इसे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ, हम सभी सो के उठ चुके हैं, कल जल्दी सो गए थे क्योंकि यार कल मैंने इतने कपड़े धोए ना, लिटरली क्या बताऊँ, मतलब पूरा जो घर है ना वो कपड़ों से भर गया है। ये जीन्स, ये सारे, ये ऊपर, ये जो दो दो तीन तीन सूख रहे हैं, एक एक जगह दो दो तीन तीन, ये पूरा एकदम झुंड सूख रहा है कपड़ों का, ये और फिर ये स्टैंड तो पूरे बुरी तरीके से मैंने भर दिया है। ये देखो, ये सारे के सारे कपड़े ना मैंने कल ही धोए हैं, तो बहुत सारे कपड़े कल धोए हैं, इसलिए थकान भी हो गई थी, मशीन पर भी पड़े हुए हैं कुछ कपड़े, थकान हो गई थी, कल हम लोग सो गए थे जल्दी इसलिए आज मॉर्निंग हुई है जल्दी। एंड होपफुली ऐसा लग रहा है कि फाइनली थोड़ा सा कुछ रूटीन सेट हुआ है। पर आज जब हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश थे ना, रियांश उस टाइम पे 10:30-11 बजे तक सो जाया करता था, तो उसको ना ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा उसको जल्दी नींद आ जाती है, 10:30-11 पर से नींद आना स्टार्ट हो जाती है। सो आज मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया है, कल कंटिन्यू नहीं हो पाया था, पूरा दिन चला गया। वरुण बना रहे हैं चाय, और नाश्ते में कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेड को बटर में ऐसे सेक रहे हैं, तो चाय ब्रेड बटर हो गया है नाश्ता, और बाकी का दिन अभी कुछ प्लान नहीं है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कल भी बहुत अच्छा हो रहा था, हमने ना कल पूरे टाइम यहाँ पे गद्दा डाल के बिछा के रखा था, ये वाला, इस पर ही लेटे रहे थे, इस पर ही खेलते रहे थे। रियांश भी चला रहा है वॉकर, हवा चल रही है बड़ी अच्छी ठंडी। फाइनली ऐसा लग रहा है कि इस वाले वीक से ना रूटीन, मतलब रूटीन के एक लाइफ अभी सेट होगी, बैक टू होम वाली, क्योंकि वहाँ से जब वापस आए थे ना तो फिर रियांश की हेल्थ एकदम वो हो गया, उसके भाई दिए अभी भी उसके दांत ऐसे मसूड़े फूले हुए दिख रहे थे, वो फिर से नीचे हो गए हैं, मतलब मुझे दिख नहीं रहा फिर से, और उसकी हेल्थ बेटर है, मतलब मोशन से बिल्कुल नहीं हो रहा है, अभी एक या दो हो रहा है दिन में, और वॉमिटिंग तो हो नहीं रही है उससे, एंड हाँ अभी बेटर है उसकी हेल्थ। सो या प्रिटी हैप्पी एक्साइटेड कि फाइनली चीज़ें ऑन ट्रैक आ रही हैं, एंड अंदर उन्होंने गाने चला रखे हैं इसलिए मैं अंदर व्लॉग नहीं करूँगी, बिठा रियांश को दिखाती हूँ आपको। बेडिंग क्लीन करनी है मुझे भी।